नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, आज है भौम प्रदोष और बहुत अच्छी बात यह है कि आज 9 का अंक है। आज के दिन जितना ज्यादा आप मंगल देव की पूजा करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, आपकी किस्मत उतनी ही ज्यादा चमकेगी। जिनकी शादियां नहीं हो रही है, आज के दिन शिवालय में जाकर के भगवान शिव की पूजा जरूर करें। 9 बाती का दिया भगवान शिव को अर्पित करें शाम को 5 बजे के बाद। जिन्होंने मैरिज का ब्रेसलेट मंगवाया हुआ है, आज के दिन आप उसे धारण करें। 3 महीने के अंदर अंदर शादी के योग बन जाएंगे। वैसे भी आज भौम प्रदोष है, इसलिए तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। भौम प्रदोष ना भी हो तो जिन्होंने मैरिज ब्रेसलेट मंगवाया हुआ है या जिन्होंने नहीं मंगवाया, मंगवा लें। और उससे पहले शादी को लेकर के कोई भी समस्या है तुरंत दूर होगी। अगर आप मांगलिक हैं तो फिर मूंगा जरूर धारण करें। जिन्होंने मूंगा धारण किया हुआ है वो भी आज के दिन इसको निकालें, फिर से इसको गंगा जल और कच्चे दूध से धो लें और ओम अम अंगारकाय नमः 9 बार बोलते हुए इसको फिर से धारण कर लें। मंगल आपके गजब के मजबूत बनेंगे। आज के दिन 9 के अंक को 3 बार लेकर के मैजिक बॉक्स में, जो मैजिक बॉक्स जिन लोगों ने मंगवाया हुआ है उसके अंदर इसको लिख करके रख दें। आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश कर रही हूँ, करती हूँ हर वीडियो में कि आपके घर से गरीबी जड़ से चली जाए। गरीबी जड़ से चली जाए, इसके लिए दोस्तों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस की है। जैसे ये पारद का शिवलिंग, हमारे यहाँ बिल्कुल शुद्ध प्योर पारे का ये शिवलिंग आपको बहुत कम कीमत में प्रोवाइड किया जा रहा है, जो दुनिया में कहीं आपको कोई नहीं दे सकता। इसके घर में रखने मात्र से घर में लक्ष्मी आती है और तमाम प्रकार की नेगेटिविटी दूर होती है। हर व्यूअर, हर सब्सक्राइबर्स अपने घर में ये शिवलिंग जरूर स्थापित कर दे। बहुत पावरफुल चीज है ये। भगवान शिव की कृपा हमेशा ही आपके ऊपर उतरती रहेगी। और आज के दिन, जो महीने में हर महीने शिवरात्रि आती है, तो आज के दिन शिवरात्रि का भी दिन है। तो आज जिनके घर में पारे का शिवलिंग है उन्हें शिवालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही गाय के दूध में थोड़ा सा कच्चा तेल डालें और इस शिवलिंग की पूजा करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर गजब नाक उतरेगी। दोस्तों, शरीर में कोई भी आपके तकलीफ है, जैसे इवन कैंसर जैसा रोग, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसको कैंसर भी है वो भी ब्रेसलेट मंगवा सकता है। ये कैंसर जैसे रोग से आपकी मदद करती है, आपकी सुरक्षा करती है। मैं ये नहीं कहती कि आप दवाइयाँ ना लें, दवाई तो आपको लेनी ही है, लेकिन इन चीज़ों को जरूर धारण करें। ये वर्षों पुराने स्टोन से जो आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं। आपके शरीर में कैसी भी तकलीफ हो, जैसे बताती हूँ, बीपी है, शुगर है, वजन कम करना है, हॉर्मोन से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ है, कारण आप स्टाफ से बात करेंगे आपको क्या चाहिए। सबसे पहले तो स्टाफ आपको ये पूछेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको क्या तकलीफ है, उसके बाद वो सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सी चीज पहननी चाहिए। और ये सब कुछ हमारे यहाँ फ्री में होता है, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको मंगवाने जैसा लगता है तो आप हमारे यहाँ से चीजें मंगवाएं, आपको करंट करके रेडी करके चीजें दी जाती हैं। आप चाहे तो कहीं और से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा स्टाफ आपको फ्री में ये तमाम चीजों की जानकारी देता है। और एक बहुत अच्छी चीज आपको बता दूं दोस्तों, ये है पारा सिंदूर, कांच की तरह चमकता है, कामाख्या सिंदूर। ये साक्षात माँ कामाख्या का स्वरूप है। ये अगर आपके घर में है तो आपके घर में तमाम काम ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। किसी भी जरूरी काम से आप घर से निकल रहे हैं, आप इस सिंदूर का तिलक लगाएं। कोई भी यंत्र आप बना रहे हैं, इस सिंदूर से बनाए, इसको पीस लेना है और इससे आपको बनाना है। हमारे यहाँ जो चीजें आपको मिलती है इस टाइप का, ये कामाख्या सिंदूर आपको कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल शुद्ध पत्थर है, ये साक्षात माँ कामाख्या का स्वरूप है। जो मैंने 9 का अंक आपको बताया कि लाल पेन से लिखना है, जिनके पास ये कामाख्या सिंदूर नहीं है वो लोग लाल पेन से लिखे, अदरवाइज जो लोग इस कामाख्या सिंदूर से अपनी इच्छा लिखेंगे उनका काम बहुत जल्दी होगा। कुछ लोग जो बार बार वशीकरण के लिए फिर से बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं, वशीकरण तिलक आप तक पहुंचाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के काम हो रहे हैं।
घर बैठे आपको किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, सिर्फ इससे तिलक करना शुरू करें। इसके अंदर गजब की चीजें मिलाई हुई है, शंखा होली की जड़ है, राज मोहिनी जड़ है, इसके अंदर कामाख्या सिंदूर, पारा सिंदूर, तमाम चीजें मिला करके ये वशीकरण तिलक बनाया गया है, जो तुरंत ही आपकी समस्याओं का समाधान ला देता है। तो ढेरों ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका समाधान आपको, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते तो ये चीजें आपको कर देती है। जैसे ये नाव की कील बड़े से बड़ी तकलीफ में भी आपका आपकी मदद करेगी, आपकी सहायता करेगी। नाव जैसे इंसान को इस पार से उस पार उतारती है, वैसे ही नाव की कील अगर आप अपने घर में धन स्थान में रखते हैं तो कोई भी मुसीबत आपको कभी परेशान नहीं कर पाती है। ये तमाम चीजें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जिन्हें नहीं पता है वे मंगवा सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं से दूर हट सकते हैं। दूसरा, आज जैसे बता रही हूँ हनुमान जी का दिन है, आज अंगारकाय का मंगल देव का दिन है, सुबह उठते के साथ 9 बार ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र को बोले। आज सुबह उठते के साथ पृथ्वी माता के चरण स्पर्श जरूर करें। पृथ्वी, ये जो मिट्टी है, भूमि, पूरी सृष्टि जो आपको दिखाई दे रही है, इस मिट्टी का ही विविध रूप है। पूरी सृष्टि एक दिन जब आत्मा निकल जाती है इसी पृथ्वी के अंदर आ जाती है। देखो एक्सीडेंट में शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं लेकिन बाद में वो शरीर सड़ता है, गलता है, जलता है, भस्म के रूप में पृथ्वी में ही मिल जाता है। पेड़ है, पौधा है, पक्षी है, मनुष्य है, जो भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है आप खुद सोचना करें ये सब क्या है। आखिर तो ये पृथ्वी ही है, ये मिट्टी ही है जो अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। पेड़ है, पौधे हैं, फल है, फूल है, ये सब क्या है। पृथ्वी से ही अंगारकाय मंगलदेव उत्पन्न हुए हैं। इसलिए आज के दिन अंगारकाय को प्रणाम करें, मंगलदेव को, पृथ्वी माता के पैर जरूर छुए। पूजा में बैठते उस समय पृथ्वी में 9 कुमकुम के तिलक लगाएं। ओम नमो पृथ्वी माता है नमो। कोई भी पूजा करते हैं, मैं तो एवरीडे की बात कर रही हूँ, कोई भी पूजा करते हैं पृथ्वी माता के हमेशा चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से हर काम में आपको सफलता मिलती है, आपका शरीर नर्क में नहीं जाता, आपके शरीर से बुरे कर्म नहीं होते। माता पृथ्वी हमेशा आपको अपनी गोद में बिठा करके रखती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। जय श्री कृष्ण।